तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टीवी में। मैं हूँ आपके साथ अनिल। तो ना मैं आपको आज कोई एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो देने वाला हूँ, ना कोई आज इंटरेस्टिंग न्यूज देने वाला हूँ। आज मैं आपको अलर्ट करने वाला हूँ। तो अलर्ट किसके बारे में, तो देखते रहिए मेरा पूरी वीडियो। तो अलर्ट बिटकॉइन के बारे में, डू नॉट बिलीव बिटकॉइन, इंडिया डज नॉट गिव परमिशन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। भारत में बिटकॉइन का यूज मत करना, क्योंकि भारत ने इसमें परमिशन नहीं दी है। बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी न तो कोई सिक्का है न कोई मुद्रा है, यह बिल्कुल पोंजी स्कीम की तरह है। और रिजर्व बैंक इंडिया ने भी वर्चुअल करेंसी को मान्यता नहीं दी है, इसीलिए आप इसमें पैसा ना लगाएं। इसका इस्तेमाल आतंकी फीडिंग के लिए भी हो सकता है, ऐसा हमारे वित्त मंत्रालय ने कहा है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में कहा, वर्चुअल करेंसी वैध नहीं है। देश में सरकार या किसी भी नियामक ने किसी भी एजेंसी को वर्चुअल करेंसी के लिए लाइसेंस नहीं दिया है, यानी अभी तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है, फिर भी लोग इसका यूज कर रहे हैं। जो लोग इसका लेन देन कर रहे हैं उन्हें जोखिम सजग रखना चाहिए, ऐसा विदेश वित्त मंत्रालय ने कहा है। रिजर्व बैंक ने 3 बार आगाह कर चुकी है, यानी रिजर्व बैंक पहले से भी आगाह कर चुकी है वर्चुअल करेंसी के बारे में। और विदेश हमारे वित्त मंत्रालय ने और भी कुछ कहा था, वर्चुअल करेंसी में न तो कोई मूल्य निहित है और न ही इसके लिए किसी भी तरह की भौतिक परिसंपत्ति रखी जाती है। इस तरह बिटकॉइन की पूरी तरह से कयासबाजी पर आधारित है। जिस तरह पूंजी स्कीम में निवेश का जोखिम होता है, यानी पूंजी स्कीम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, वैसे ही बिटकॉइन में निवेश का जोखिम होता है, इसीलिए निवेशकों को बचकर रहना चाहिए। वर्चुअल करेंसी का लेखा जोखा डिजिटल फॉर्मेट में होता है, इसीलिए पासवर्ड खोने, वायरस आने पर धन गंवाने का भी खतरा होता है। इसका यूज आतंकी फीडिंग तस्करी के लिए भी किया जाता है, ऐसा हमारे वित्त मंत्रालय ने कहा था, इंडिया के वित्त मंत्रालय ने कहा था शुक्रवार को। तो इसके लिए आपको बिटकॉइन का यूज नहीं करना है। ये अलर्ट है एक इंडियन गवर्नमेंट का, क्या है पूंजी स्कीम वो भी देख लेते हैं। पूंजी स्कीम से आशे ऐसे फर्जी निवेशकों से है, निवेश से है, जो पुराने निवेशकों को रिटर्न नए निवेशकों के धन से देता है, यानी पुराने लोगों का धन इकट्ठा करता है, नए लोगों का धन इकट्ठा करता है और पुराने निवेशकों को दे देता है, जो लोग समझते हैं इससे फायदा हो रहा है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसे धन किसी भी व्यवसाय में नहीं लगाया जाता है, बल्कि एक इंसान का पैसा दूसरे इंसान को एक रिटर्न के रूप में दे दिया जाता है, इसीलिए लोगों का धन फंसी जाता है, ज्यादातर लोगों का धन फंस जाता है इसमें। तो इटली का एक व्यवसायी चार्ल्स पोजी ऐसी स्कीम चलाकर लोगों को पैसा जम करता था, तो उसी के नाम पर इसको पोजी स्कीम का नाम दिया गया है। तो पोजी स्कीम के रूप में ही इस बिटकॉइन को देखा जा रहा है। तो आपको बिटकॉइन का यूज नहीं करना है, और कोई भी यूज कर रहा हो तो उसका भी आपको अलर्ट करना है, और आप इंडिया के हैं तो। और ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाई थी क्योंकि मैंने काफ़ी YouTube पे वीडियो भी देखी थी, और काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई थी, हाउ टू मैनेज बिटकॉइन, व्हाट इज बिटकॉइन। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि आपको अलर्ट होना है, किसी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी दे दिया है, आप इसके साइड पे भी जाके दे सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।